दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने वाला हूं जो कि जोंक के संदर्भ में है। तो दोस्तों आप ये जोंक क्या होता है और कैसे दिखता है ये सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, जो गांव देहात के होंगे वो लोग आसानी से जानते होंगे और जो शहरों के होंगे वे लोग इसे लीच के नाम से जानते होंगे, क्योंकि शहरों में अक्सर इसे लीच बोला जाता है और गांव देहात में जोंक बोला जाता है। और ये जोंक जो है जंगलों में, खेत खलिहानों में या फिर कहीं भी जहाँ पानी का क्षेत्र होता है पुराना जमा हुआ, वहाँ पे अक्सर यह होता है कीचड़ों में, और जैसे ही हाथ लगाओगे पानी में तो वह अपने आप निकल के आने लगता है हाथ को चूसने के लिए। तो दोस्तों यह जोंक बहुत ही काम की है हमारे लिए और इससे हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। तो आप इस जोंक को अगर डरते हैं तो डरना भूल जाइए, इसका उपयोग करना सीखिए ताकि आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ सके तो आप इससे आसानी से फ़ायदा उठा सकें। तो बने रहें वीडियो में, आज मैं आप लोगों को आश्चर्यजनक बातें बताने वाला हूं इस जोंक के विषय में। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करना, लेकिन आपको आज इस बात को मानना ही पड़ेगा कि जोंक हमारे लिए एक अद्भुत डॉक्टर है और बिना खर्चे का इलाज है। जोंक में ऐसी वह गुण तत्व भरी हुई है जिससे हम लाखों खर्च करके भी नहीं पा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आपको बताते हैं इस जोंक के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस जोंक के बारे में बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से इसकी जो जानकारियां हैं उसे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो जोंक है इसके दोनों तरफ चूसक लगे होते हैं, मतलब ये दोनों तरफ चूस सकता है, पीछे भी आगे भी। मान के चलो ट्रेन का इंजन दोनों तरफ से चलता है, दोनों तरफ से चूसता है। अगर किसी के शरीर में यह चिपक जाए तो दोनों तरफ से चिपक जाता है या फिर एक ही तरफ से चिपकता है, मतलब दोनों तरफ चिपक सकता है और दोनों तरफ से खून इकट्ठा करने लगता है। तो इसके खून इकट्ठा करने से ही हमारा शरीर का खून खत्म नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है, हमारी कमज़ोरी खत्म होती है, हमारी फोड़ा खुंसी, शरीर में दांत खाज, जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं अंदरूनी खराबी की वजह से, और हमारे शरीर में जो गंजापन रहता है सर में वह भी ठीक होने लगता है और हमारे शरीर की बहुत सारी खराबियां दूर होती है। जैसे हमारी अंदर की जो नसें में, अंदर की नसों में जो गांठ बनी रहती है जिसकी वजह से नसों का सुचारू रूप से कार्य करना बंद हो जाता है, अगर नसों में गांठ बंधी रहेगी तो खून अच्छे से इधर उधर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जोंक आपके उस भाग को जहाँ पे आपके शरीर में गांठ बंधा हुआ है उस भाग को यदि चूस ले तो वहाँ का गांठ भी खुल जाता है और रक्त संचार, खून का बहाव भी अच्छे से होने लगता है और आपका वहाँ का गांठ ख़त्म हो जाता है। और जहाँ भी आपके शरीर में कील मुहासे हो वहाँ पे यदि आप इसको लगाते हो, यानी जोंक को गाल में, मुंह में, पीठ में, पैर में, जहाँ भी दाग धब्बा है या फिर कील मुहासा है, फोड़ा फुंसी है, वहाँ पे चिपका देते हो, वहाँ का खून चुसवा करके निकलवा देते हो इस जोंक से, तो 100% वहाँ का जो भी रोग है, फोड़ा फुंसी, दाग धब्बा, वह निश्चित रूप से खत्म होने लगता है और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यदि आपके किसी अंग में खून नहीं पहुंच पा रहा है, आपको लगता है कि हमारे इस अंग में पर्याप्त मात्रा में नसें काम नहीं कर रही है, खून नहीं दौड़ रहा है, तो उस जगह पे आप जोंक को लगा दीजिए, वहाँ की सारी नसों की गांठें खोल देगी और सभी रक्त संचार पूरी तरह से ठीक से वहाँ दौड़ने लगेगी और आपको बेहतर फील होने लगेगा। अगर किसी को गंजापन है तो सर में आप जोंक को रख दीजिए, जहाँ जहाँ गंजापन है वहाँ वहाँ कुछ ही मिनट में या सेकंड में जोंक निकाल दीजिए, एक दो मिनट लगाने के बाद, और कम से कम 3-4 दिन इस तरह से कीजिए तो आप देखोगे कि 5 से 6 दिन में ही आपके सर में जहाँ बरसों से सूखा पड़ा हुआ है, गंजापन है, बंजर है, वहाँ पे फिर से बाल के अंकुर निकलने लगेंगे
और आपका गंजापन दूर होने लगेगा। यह एक चमत्कार की तरह है दोस्तों, भले आपको विश्वास आए ना आए, सर्कुलर नहीं पहुंचता, जहां भी आपकी खेत में पानी नहीं पहुंचता वहां ये पूरी तरह से पानी पहुंचाने का काम करता है, यानी खून दौड़ाने का काम करता है। और यही नहीं दोस्तों, हमारे खून में जितनी भी खराबियां होती हैं, जितने भी प्रकार के विषैले तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों को यह जोंक मार देता है। अब कैसे मारता है ये मैं आपको बताता हूँ। इस जोंक के अंदर एक विशेष प्रकार का लार पाया जाता है, और उसी लार को जब यह खून चूसते समय छोड़ता है हमारे शरीर के अंदर, तो उस लार के बदले में यह हमारा खून को चूस लेता है, लेकिन उसके बदले में यह अपना लार छोड़ता रहता है। और वह लार जब हमारे शरीर में खून में मिलता है तो पूरे खून की सफाई कर देता है, तो यह खून को सुपर प्यूरीफायर करता है, पूरी तरह से रक्त शोधक है, रक्त को साफ कर देता है। इसी वजह से हमारे शरीर के जितने भी समस्याएं हैं वह ठीक होने लगता है। हाई बीपी की जो समस्या रहती है वह भी खून की गर्मी की वजह से होती है, तो खून में नॉर्मलता लाती है और हाई बीपी की समस्या भी ठीक होने लगता है। खून की शुगर को चाट देता है, ख़त्म कर देता है इसका जो लार रहता है, तो इससे शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप जोंक पद्धति से इलाज करवाते हो तो आप संपूर्ण स्वस्थ हो सकते हो। और मैं आप लोग को इसकी और जानकारी बताने जा रहा हूँ। ये तो शरीर में किसी भी अंग को जहाँ रोगग्रस्त है, घाव है, फोड़ा फुंसी है, वहाँ पे चूसाने से वहाँ का रोग ठीक कर देता है। ठीक है, आप जहाँ भी जैसे घाव नहीं भर रहा है तो वहाँ भी चूसा करके देख लीजिए, वहाँ को भी यह ठीक कर देगा। घाव जो सूख नहीं रहा होगा वह आसानी से सूख जाएगा और बिल्कुल बहुत जल्द भर जाएगा, आपको चमत्कार लगेगा दोस्तों, बिल्कुल यकीन मानिए। और जोंक को डरना छोड़िए, इससे इलाज करना सीखिए। और जो बातें जो छूट गई है मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जो पूछोगे बता दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ इस जोंक के तेल के फ़ायदे के बारे में। जैसे मैं बताया कि सर पे जहाँ बाल ना हो, गंजापन हो, वहाँ पे इस जोंक को चुसाया जाता है, तो उसको चुसाने के बाद आप उसी गंजेपन में, गंजे सर में इस जोंक से तेल बनाया जाता है। उस तेल को आपको प्रतिदिन लगाना है, 5 से 6 दिन में आपका बाल स्टार्ट हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। तो आपको 1-2 दिन वहाँ पे जोंक को रख के खून चुसाना है, उसके बाद इस जोंक के तेल को लगाना है। कई वर्षों से आप गंजापन भूल जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कभी गंजापन हुआ ही नहीं था, तो इस तरह से चमत्कार हो जाता है। और इसका तेल जो बनाया जाता है जोंक तेल, इसके जोंक तेल से सभी प्रकार की जो कमजोरियां होती है वह ठीक होती है, ढीलापन ठीक होता है, और जो कसावट ना रहती है वह भी ठीक होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी महिला स्त्री लड़की का ब्रेस्ट साइज बहुत कम होता है या फिर लटका रहता है, तो वहाँ पे मालिश करने से भी यह उसको कुंवारी कन्या की तरह टाइट करता है और फुल साइज देता है। जोंक तेल अगर प्रतिदिन मालिश किया जाए, मसाज किया जाए, तो कम से कम 1 सप्ताह अगर इसी तेल को आप गुप्तांग में, प्राइवेट पार्ट में भी मालिश करते हो, जोंक तेल को आगे की जो भाग होता है उसे छोड़ करके ऊपर की चमड़ी में लगाते हो, तो आपके वह भी बहुत ज़्यादा जो होता है साइज, उस साइज के आप भी हो सकते हो, आपका भी हो सकता है। इसको भी आप 15 से 15 दिन लगा करके यूज़ करके देखिए, आपको एक चमत्कार की तरह रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह ज़बरदस्त फायदा करता है जोंक तेल, एक अद्भुत क्वालिटी का, अद्भुत चमत्कार वाला तेल है। इस तेल को जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जिनकी हाथ पैर कहीं कहीं छोटा बड़ा रहता है, वहाँ पे यदि आप बचपन से मालिश किया जाए, बच्चों को यदि है तो उनका विकलांगपन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो आप इस तरह से अगर देखोगे तो आपको ज़रूर चमत्कार लगेगा। और जो व्यक्ति किसी दवाई खा लेने की वजह से या फिर किसी भी अन्य वजह से
विकलांग हो चुका है, जो स्वस्थ था लेकिन अभी विकलांग हो चुका है किसी दवाई की वजह से, उनकी नस नाड़ियाँ धमनियाँ काम नहीं कर रही है, तो उसके शरीर में ये जोंक तेल मालिश किया जाए और उनके शरीर पे जोंक लगाया जाए, जोंक लगा के उनके खून को चुसाया जाए तो उनका शरीर भी चलने फिरने लायक हो जाता है। यह बहुत ही अच्छी चमत्कारी दवा है, एक डॉक्टर है, हमारे संपूर्ण शरीर के लिए सेहतमंद उपाय है और अचूक और बिल्कुल सस्ता इलाज है दोस्तों। तो आप इस जोंक से बहुत सारे फायदे ले सकते हो। अगर मैं आपको इसके और गुणगान बताता रहूं तो आप बोर हो जाओगे, तो इसी जानकारी को देना था। अगर आप जोंक तेल तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए और कमेंट करना, मैं आपको जोंक तेल तैयार करने की विधि बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मेडिकल स्टोर से या फिर कहीं भी दवाई दुकान से आप जोंक तेल खरीद सकते हो और उपयोग कर सकते हो। अगर जोंक मिल जाता है और जोंक एक दो जोंक चुसाने के बाद तेल लगाते हो तो डेफिनेटली 101% कार्य करता है। अगर नहीं भी मिलता है तो भी 100% कार्य करता है, मतलब जोंक मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ तेल आप खरीद के ले आइए और जोंक तेल इस्तेमाल कीजिए और अपने सारी कमजोरियों को भूल जाइए और खुश रहिए दोस्तों। तो नमस्कार।